नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश में। आज हम बनाएंगे घर में रहकर सामग्री से मिठाई। इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं आपको एक लड्डू तोड़कर बताती हूँ। ये देखने में जितने सुंदर है, अंदर से भी उतनी सॉफ्ट बनी है, मुँह में डालने के बाद बिल्कुल घुल जाने वाली। इस रेसिपी के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक कटोरी सूजी। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे मिक्सर में एक बार पीस लें, जिससे ये बारीक बन जाएगी। उसमें मैंने यहाँ पर 10 बारह काजू को दो तीन हिस्सों में काट लिया है, 10 बारह बादाम को भी मैंने बारीक काट लिया है, 10 बारह किशमिश। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे काजू के दो टुकड़े करके लिए। मैंने यहाँ पे कोकोनट घीस लिया है, ये फ्रेश कोकोनट है, आप चाहे तो ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार इलायची के छिलके को हटाकर दरदरा कूट लिया है, आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस रेसिपी में अपना मनचाहा ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास इनमें से जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल ना हो तो आप उसे स्किप कर दें। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में दो चम्मच घी ले लिया, हमारे घी पिघल चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे, बादाम को भी हम साथ में डाल देंगे। अब हमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भून लेना है, यानी इसका हल्का सा खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। और समय से देखें तो धीमे गैस पर एक से डेढ़ मिनट तक। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करके डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, साथ ही इसका खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हमने ड्राई फ्रूट्स को एक मिनट तक धीमे गैस पर भून लिया है, हमारे ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो चुके हैं, साथ ही इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब इसे उतार लेते हैं। अब हम इसी घी में किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा धीमे गैस पर फ्राई करें, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाती है। हमारे किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये पहले से डबल हो चुके हैं, यानी कि अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब हम इन्हें भी उतार लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ी सा घी और डाल देंगे। हमने जिस कटोरी से सूजी लिया था एक कटोरी, उसी कटोरी से हम एक चौथाई कटोरी घी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें सूजी को डाल देंगे। अब हमें सूजी को धीमे गैस पर फ्राई कर लेना है, जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, यानी कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो या फिर इसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे। हमें सूजी को धीमे गैस पर फ्राई करते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे ये जो सूजी का कलर है पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हैं, यानी हल्का सा ब्राउन कलर का हो गई है। अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और सूजी को किसी और बर्तन में निकाल लेनी है। हम इसी कढ़ाई में चाशनी के लिए उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी लेंगे, आप चाहे तो मीठा अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम लेंगे उसी कटोरी से एक चौथाई कप पानी। अब हमें चीनी को अच्छी तरह पिघला लेना है, आप देख पा रहे होंगे हमारी चीनी अच्छी तरह पिघल चुकी है, लेकिन अभी हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि यह हमारी चाशनी एक तर का ना बन जाए। हमारी चीनी पिघल जाने पर हमने चाशनी को 7 मिनट तक धीमे गैस पर पका लिया है, हमारी एक तर का चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको देखने से पता नहीं लगता तो मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह चाशनी को चेक कर सकते हैं। एक चम्मच ले लेंगे, चम्मच के सहायता से थोड़ा सा चाशनी चम्मच में ले लेंगे, फिर ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा हो जाने पर ही उंगली डाल के उसमें चेक कर लेंगे, अगर ये तार जैसा बन रही है यानी धागा जैसा दिख रही है तो फिर उसी टाइम गैस को ऑफ कर देना है, यानी हमारी एक तार की चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम चाशनी में भुनी हुई सूजी को डाल देंगे और अब सूजी को अच्छी तरह इस चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। आपको अभी ये गीला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम सामग्री डालेंगे और ये ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे ये सूजी फूल जाएगी, जिसकी वजह से ये पानी जो है सूजी का अच्छी तरह सोख लेंगे और हमारा जो सूजी और चाशनी है परफेक्ट हो जाएगी। सूजी को डालने के बाद अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तब हम गैस को वापस से धीमे कर देंगे, गैस को तेज नहीं करना बिल्कुल ऐसे स्टेज पर। अब मैं यहाँ पे 100 ग्राम मलाई ले ली है, मलाई को इसमें डाल देंगे, ये बिल्कुल घर के बनी हुई फ्रेश मलाई है। कुटी हुई इलायची को भी डाल देंगे, हम इसमें घिसे हुए नारियल को भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे नारियल को फ्राई नहीं किया था, आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। अब हम इन सारी सामग्री को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे गैस को ऑफ करके। हमें मिश्रण को ढक के रखते हुए आधे घंटा हो चुका है, एक बार ढक्कन हटाकर मिश्रण को चेक कर लेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी है अच्छी तरह चूरा बन रहा है। अब हम इसे एक बार हथेली की सहायता से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, हम हाथों से छू पा रहे हैं, बस इतना गर्म है। हमने सारे सूजियों को इस परात में निकाल लिए हैं, अब हम इसे इस तरह रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंड ना हो, और इसमें से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिश्रण लेते जाएंगे और लड्डू बांधते जाएंगे।
अगर आपका मिश्रण परफेक्ट होगा तो आपको लड्डू बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे सारे लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हैं।